नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ लेके आया हूँ। और इस वीडियो के अंदर कुछ कंपनीज के टेक्निकली ब्रेकआउट हो चुके हैं, मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुके हैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। तो वो कहाँ पे बना है और किस पैटर्न से बना है और कहाँ पे उसका टारगेट रहेगा और कौन सा टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि इस वीडियो टोटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे खुद का ट्रेड है और उसके टोटली मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, तो प्लीज इसको कोई रिकमेंडेशन मत समझना। आपको अगर ट्रेड करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिए और सीख कर करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं जो कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है RBNL। देखिए, रेलवे और विकास निगम लिमिटेड। तो RBNL के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का चर्चा हर जगह पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस किया वो मतलब आज तक की हाईएस्ट परफॉर्मेंस हुआ है। और इसी तरीके से अगर धमाका परफॉर्मेंस फिर से हो, उसी के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी के ऊपर एक बार अगर रैली हो चुके हैं तो वो थोड़ा सा इंतजार करेगा। फिर से अगर दोबारा उसको रैली दिखाना है तो कुछ टाइम बिताएगा, कुछ टाइम वो करेक्शन भी हो सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग डाउन साइड में एंट्री किए थे और जो हाई लेवल में एग्जिट किए हैं वो फिर से नया एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा टाइम, कुछ टाइम, कुछ साल बिताना चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो फिर से एक बड़ा मोमेंटम हो सकते हैं। तो RBNL के बारे में डिस्कशन करूं तो इस कंपनी का जो खासियत है, मैं एक चीज आपके साथ शेयर करूं कि जो मार्केट कैप है और मार्केट कैप के हिसाब से दिखा दो तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 34,700 करोड़। तो 34,700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप बन चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी का पी रिशो अभी भी अंडर वैल्यूड है, कंपनी का ROC ROE ऑब्वियसली बेस्ट है, कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया। डिविडेंड कितना है, 1.28%। इसका मतलब आपने शायद इस कंपनी मतलब अगर आपने इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपये निवेश करके रखे है तो उसके मतलब अगेंस्ट में आपको 1,280 रुपीज का टोटल डिविडेंड मिला है। तो परसेंटेज वाइज इसी तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है और डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है। अभी क्वेश्चन है कि डेप्थ इतना क्यों लिया गया। देखिए, डेप्थ इसीलिए लिया गया क्योंकि कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले, कंपनी का नया नया प्रोजेक्ट मिले हैं। और सबसे बड़ी जो कंपनी का प्रोजेक्ट मिला वो है वंदे भारत का। वंदे भारत का 210 का ऑर्डर इस कंपनी को ही मिला है और उस कंपनी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी को तो फंडिंग की जरूरत है, उतना फंडिंग्स कंपनी के पास नहीं है। तो कंपनी का 1400 करोड़ का इनकम तो है, अगर इस इनकम को मैं कंपैरिजन करूं कंपनी के प्रोजेक्ट का तो उस प्रोजेक्ट से देखा है तो कंपनी में उतना पैसा नहीं है। कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कंपनी को ट्रेड कितना रिसीव हुआ, करीबन 950 करोड़ के आसपास। और कंपनी के हाथ में कैश कितना है, अगर रिजर्व के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो रिजर्व है वो कितना, 6,400 करोड़। उनमें से 4,600 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा उठा कर रखे है और कंपनी के देखिए फिक्स एसेट उतना ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब कंपनी को काम करने के लिए कर्जा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है वो 1400 करोड़ के आसपास है। तो 1400 करोड़ के पूरा का पूरा पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते थे बिजनेस के ऊपर, मगर कुछ टाइम व पीरियड में देखा जाए तो कंपनी के हाथ में पैसा भी जरूरत है। मान के चलिए आज कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला, अगर मान के चलिए फिर से अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया तो उसको भी तो इनिशिएट करना होगा ना। तो इसीलिए कंपनी के हाथ में पैसा होना जरूरी है और इस सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, कर्जे को उठाया है। अभी जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा वो जरूर आपको देखना चाहिए कि कंपनी इस बार फिक्स एसेट को कितना परचेज किया, सिर्फ 61 करोड़ के आसपास परचेज किए। इसका मतलब फिक्स एसेट ज्यादा परचेज नहीं किया, क्योंकि कंपनी को पहले से ही फिक्स एसेट बहुत सारे है, इसीलिए एसेट को ज्यादा परचेज नहीं किया। क्योंकि पिछले बार कंपनी पिछले लास्ट कुछ 2 ईयर्स में अच्छा खासा फिक्स एसेट को परचेज किए गए थे, 140 करोड़, 116 करोड़ के आसपास। तो इस कंपनी की जो कैश फ्लो है उसके बारे में बात करूं तो कैश फ्रॉम बोरिंग्स के सॉरी प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो कंपनी इस बार 1 रुपया भी कर्जा नहीं उठाया। जो पहले कर्जा था वही कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि पहले कर्जे को अभी तक कंपनी ने मिटा नहीं पाया, क्योंकि कंपनी 200-250 करोड़ के आसपास पैसा हर मतलब क्वार्टर्स में यहाँ पे हर साल में कंपनी धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहे हैं और कंपनी पहले से ही 1,400 करोड़ के आसपास कर्जा लेके रखे हैं। जितना कर्जा लिया गया उतना पैसा अभी तक कंपनी ने नहीं मिटाया,
तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी का ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी है, तो उस प्रेशर को झेलते हुए कंपनी आगे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको संडे के दिन आपके साथ पब्लिश किया था, वो वीडियो आपने शायद जरूर देखे होंगे, अगर नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए। दिल्ली के सारे कंपनीज के ऊपर वहां पे डिस्कशन किया गया है। तो रही बात इंस्टीट्यूशन का, FSDS पब्लिक हर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी के ऊपर, और लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में देखेंगे तो जुलाई और अगस्त मंथ में तगड़ा बाइंग किया गया। उससे पहले देखिए मार्च अप्रैल में अच्छा खासा बाइंग किया गया, और मई मंथ और जून मंथ में सेल ऑफ किया गया। अभी यही पैटर्न को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, देखिए जो डेटा है यहाँ पे, देखिए सितंबर अगस्त उससे पहले देखिए मई मंथ में क्या हुआ, मई मंथ में यहाँ पे सेल ऑफ हुआ, सेल ऑफ मतलब यहाँ पे देखिए मई मंथ में सेल किया गया। उससे पहले देखिए अप्रैल मार्च अप्रैल में कितना शानदार तरीके से बाय हुआ, और यहाँ पे मैंने आपको पैटर्न भी क्रिएट करके दिया था, उस पैटर्न का एंट्री और एग्जिट भी यहाँ पे हो चुके हैं, टारगेट हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए कंपनी इस रेंज के ऊपर कुछ टाइम को बिताना चाहिए, अगर इस रेंज को टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और मैं उसी लेवल्स को इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ विथ हैंडल पैटर्न बनाएगा और उसके बाद में एंट्री जरूर लूंगा। तो आप कहेंगे सर क्या हमेशा इस तरीके से पैटर्न बनेगा? देखिए पैटर्न बनेगा क्या नहीं बनेगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा, तो हमेशा मैं उस तरीके से पैटर्न का इंतजार करता हूँ जिस पैटर्न में मुझे आज तक के सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दिया। तो मैंने आपको जितने सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हो, वो सारे वीडियोस में आपने एक चीज नोटिस करे होंगे, मैं सबसे ज्यादा कैप विथ हैंडल पैटर्न्स और रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड लिया हो। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से ट्रेड अच्छी तरीके से एक पॉजिटिव ट्रेड बन सकते हैं। तो कंपनीज के ऊपर आप अपडेट रखिए, स्टडी करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। देखिए KPIT टेक्नोलॉजीज एक पॉपुलर कंपनी है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं, इसलिए कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो जो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है वो सारे कंपनीज का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है, और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस भी है। अगर यही चीज को मैं एज ए कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी का ROC ROE बेस्ट है। कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स जो है वो 39% के आसपास है। कंपनी के हाथ में कैश भी है और कंपनी अच्छे खासा इनकम भी किए, और कंपनी का पी रिशू थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है? अगर मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से पी रिशू दिखा दूं तो पी रिशू टॉप लेवल में है। एक टाइम पी रिशू 90 में था, आज पी रिशू 70 के आसपास है। एवरेज पी रिशू कितना है? 50 के आसपास। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। इस ओवर वैल्यूड कंपनी में कभी ना कभी करेक्शन होने का चांसेस भी है। अगर इस कंपनी का कुछ पोर्स एंड कुछ कॉन्स में आपको दिखा दूं, मतलब कुछ पॉजिटिव बातें और कुछ नेगेटिव बातें आपको मैं बता दूं, तो कंपनी में एक्सपेक्टेड जो गुड क्वार्टरली रिजल्ट होना चाहिए था वो रिजल्ट अच्छा खासा हो रहा है। कंपनी 326% के आसपास ग्रोथ किए लास्ट 5 ईयर्स में, और कंपनी का जो मेंटेनेंस जो हेल्दी डिविडेंड है वो 29% के आसपास हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी किए, और कंपनी के जो कॉन्स है वो 17 टाइम्स कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स जो है वो 3% के आसपास होल्डिंग 3 साल में सेल ऑफ किया गया। अभी यही इसी होल्डिंग्स को दिखा दूं तो देखिए 40% के ऊपर होल्डिंग था, वो घट के हो चुके 39%, और FS ने क्या किया, उस होल्डिंग को बाय किया, और DS के पास भी होल्डिंग्स अच्छा खासा है, और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, क्यों ना निवेश करें? जब IT सेक्टर के ऊपर प्रेशर था, IT सेक्टर गिर रहे थे, उस टाइम में भी इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया, तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर हर कोई फोकस रखे हुए है। अगर रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज के डिलीवरी के रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो डिलीवरी कुछ इस तरीके से देखने को मिला, कंटिन्यूसली डिलीवरी कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, तो जो चार्ट पैटर्न बना कुछ चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना है, कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मोमेंटम देखने को मिला है, और एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी का जो ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट मुझे उतना स्ट्रांग नहीं लगा, जब कोई कैंडल इस तरीके से क्रिएट होता है ऊपर साइड में ज्यादा से ज्यादा शेडो और नीचे बॉडी ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस तरीके से पैटर्न में आप एक बात याद रखना, इस तरीके से पैटर्न अभी तक सेलर का मतलब बायर का कमजोरी है, और सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है क्योंकि उसको ऊपर जाने से रोक रहा है। तो इस हिसाब से देखिए कंपनी के ऊपर करेक्शन भी हुआ, तो मैं इंतजार करूंगा इस लेवल को वो कंटिन्यू करे, और जब एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट करे तो मैं कुछ एंट्री लेने के लिए जरूर सोचूंगा।
तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है एफिल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफिल इंडिया लिमिटेड ये भी एक आईटी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, और इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी आज मान के चलिए आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो कस्टमर बेसिस में वो इस कंपनी एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है अगर इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं। यहाँ पे एक्विजिशंस हो गया, एंगेजमेंट हो गया, साथ ही साथ ट्रांजेक्शन हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए थ्रू मोबाइल एडवर्टाइजमेंट और साथ ही साथ हेल्पिंग कंपनीज एक्वायर और कस्टमर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो कंपनी अलग लेवल में प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जो प्रोजेक्ट फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि आज देखा जाए तो जो एडवर्टाइजमेंट का जो नजरिया है वो कुछ चेंज हो चुके हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही ज्यादा से ज्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और कंपनी देखिए न्यू यूजर कन्वर्सेशन जो ऑनलाइन बेसिस में लेके आ रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ एग्जिस्टिंग यूजर भी है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के ऊपर है। तो कंपनी हर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से कंपनी के ऊपर आपको अपकमिंग कुछ ईयर्स में ग्रोथ होने का चांसेस भी है। और कंपनी के क्लाइंट्स देखिए कौन सा क्लाइंट्स के लिए वो काम करते हैं, टाटा, उसके साथ आप देखेंगे तो रियो जो है वो भी इस कंपनी के क्लाइंट्स है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एलआई बाई एआईए, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो जैसे स्विगी हो गया, ये भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ वार्टन हो गया, ये भी इसका कस्टमर है। जी कैश हो गया, ये भी इसका कस्टमर है। तो कंपनी जो जो प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है बहुत स्ट्रांग है मेरे हिसाब से, और बाकी आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके जरूर डिसीजन लेना। कंपनी का पी रेशियो 56 है और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 36 है। इसका मतलब कंपनी थोड़ा सा इंडस्ट्रीज पी रेशियो से देखा जाए कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। अगर इस कंपनी का पी रेशियो में टॉप लेवल में देखूं तो 160 के आसपास इसका पी रेशियो था। अभी कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, 60 के आसपास है। तो एवरेज पी रेशियो कितना है, 69 के आसपास है। इसके हिसाब से मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से 5 साल में कंपनी के पी रेशियो जो है उसके हिसाब से देखो तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर यही चीज को मैं लाइफ टाइम के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो जो निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है, कंपनी अंडर वैल्यूड के हिसाब से मैं जरूर सोचूंगा। तो कंपनी की जो खासियत है, कंपनी जीरो डेट कंपनी है, अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है, और सबसे खासियत यही है कि कंपनी का जो रेशियो है इस चीज को देखेंगे तो एक टाइम कंपनी को 70-80 डेज लग रहा था कस्टमर से पैसा कलेक्शन करने में, तो कस्टमर से पैसा कलेक्शन करने में अभी कितना लग रहा है, 62 डेज। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिचेंज किया, और जब जितने जल्द से जल्द कस्टमर से पैसा उठा पाएंगे उतना ही कंपनी के लिए खासियत बनेगा, उतना ही कंपनी के लिए बेस्ट बनेगा। और कंपनी का आरओसी देखेंगे तो एक टाइम 100 के ऊपर था, आज 20 के ऊपर है, तो फिर भी एवरेज लेवल के बहुत ऊपर है, मेरे हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की सबसे बात करूं तो FISDS पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। और इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो डिलीवरी का जो डेटा है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाई तो मतलब उठाता देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके डिलीवरी उठाया जा रहा है, 60-50% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो एफएल इंडिया के ऊपर एक चार्ट पैटर्न बना था, एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और ब्रेकआउट भी देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो मेरे एंट्री लेवल यहाँ पे है और मैंने एक्चुअली यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, ब्रेकआउट होने के बाद करेक्शन हुआ था तो मैंने इस जगह पे एंट्री लिया हो, और भी अगर करेक्शन हुआ और इस रेंज तक आए तो मैं फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। और जो टारगेट निकल कर आ रहा है मेरे हिसाब से बेस्ट टारगेट बनेगा, और जो टारगेट बन रहा है वो 1357 के आसपास टारगेट बनेगा। और सबसे मजेदार बात यही है कि इसका लाइफ टाइम जो हाई है उस लाइफ टाइम के हाई के नीचे ही कंपनी का टारगेट बना, और जो इसका स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है उसी लेवल्स के आसपास ही इसका टारगेट बना है, और वो भी 21% के आसपास। तो मेरे हिसाब से इस टारगेट वो इजिली अचीव कर सकते हैं। तो कुछ दिनों से मार्केट के ऊपर प्रेशर है, शायद इसीलिए थोड़ा सा करेक्शन हुआ, और फिर से वो रिवर्सल करेंगे तो इजिली एक टारगेट बन सकते हैं। बाकी आप समझदार है उस समझदारी से जरूर काम करिएगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है, आप देखेंगे तो उसका नाम है जुग डेकोर लिमिटेड। तो जुग डेकोर लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये एक देखा जाए तो
केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी कंपनी है, बहुत छोटा सा कंपनी है। और कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी आया, कंपनी 15:100 का बोनस देने वाला है। इसका मतलब आपके पास 100 शेयर है तो उसके बदले 15 शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो ये था कंपनीज के अपडेट। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और इस वीडियो को टोटली एडुकेशन पर्पस में आप जरूर लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो ट्रेड बना है वो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ और मैं आपके साथ एज एडुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। तो प्लीज आप रिसर्च करिए, स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।